हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल नमस्ते में स्वागत है। मैं अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने वाली हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। कवियों से प्रेरित होकर चलो आज कुछ लिखते हैं। शब्दों की माला पहनाता वो कुछ इस अंदाज से, प्रेम रस के मिठास से तो कभी मारे लबे दे प्यार से। शब्दों के जाल ऐसे बुनता मानो तेज निकलता अंगार से, पंक्तियां जैसे नृत्य हो करती एक छोर से दूजे छोर तक। कवियों से प्रेरित होकर चलो आज कुछ लिखते हैं। ध्यान मगर रखता ना किसी की अच्छे बातें लिखनी, बुराई हर दम ही करता पति कवि पत्नी की, और पति कवि पत्नी की राजा और राजनेता की। कवि सम्मेलन जब भी होता उसमें शामिल हो जाता, चाहे हो प्रेम की बातें या हो हंसगुल्लों की ठहाके। सुर्खियां बटोरने को तो जोरदार एंट्री है लेता, टेलीविज़न के दीवारों पर जब वो खुद को तौलता। कवियों से प्रेरित होकर चलो आज कुछ लिखते हैं। क्या किसी ने सोचा कि क्या छवि एक कवि की, ये तो अब इस पर हो लागू कौन बनेगा सुनने वाला बाबू। पति कवि तो पत्नी परेशान, और पत्नी कवि तो पति हैरान, दोनों हैरान परेशान करते एक दूजे से बखान। पति, मैंने कल कविता जो सुनाई क्या तुम्हें पसंद वो आई। पत्नी बात को टालते हुए, वो आपके ससुर ने बोला आज दिखा ना जमाई, और हटाई भी ना रजाई। पति उत्तर, वो कल रात जो रसमलाई तूने खिलाई रात भर छींक है दिलाई। पत्नी, बचाओ अभी मुझे जोरों की नींद है आई, पकड़ो ना अब मेरी कलाई। कवियों से प्रेरित होकर चलो आज कुछ लिखते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।